हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको लेके आ चुके हैं अंटा घाट, और अंटा घाट में अभी हमें मतवाली होटल में, जैसे ही आप गांधी मैदान से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के जस्ट सामने में एक गली है, उसी गली में थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो आपको मतवाली होटल मिल जाएगा। सारा खाना जो है आपको यहाँ पर बाहर में बनते हुए ही दिखेगा, और यहीं पर जो है मटन वगैरह भी बनता है। तो हम आ चुके थे सुबह ही, और अभी जो है इसमें प्याज डाल के चढ़ाया गया है, इसी भगोना में जो है हम लोग का बनेगा मटन। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा मेकिंग, कैसे कैसे भैया यहाँ पे बनाते हैं मटन, और सारा काम जो है यही भैया करते हैं ना भैया, सारा कुछ जो है भैया ही करते हैं और यही बनाते भी हैं मटन। तो चलिए करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो फिलहाल इधर हम लोग का प्याज गलने के लिए चढ़ा दिया गया है, इधर हो गया हम लोग का कढ़ाई सेट। इसमें जो है मसाला तैयार कीजिएगा, इसी में मसाला भूजेंगे मटन का। कितना तेल डालें अभी? 3 पुआ होगा। इधर प्याज भी जो है गलने लगा है, क्या मटन आएगा डलाएगा। अच्छा, अब जो है ये मटन का मसाला तैयार हो रहा है, अब इसमें गया प्याज। लगभग कितना प्याज डाले भैया? 1 किलो। अच्छा, 1 किलो प्याज इधर मटन के लिए गया मसाला रेडी होने के लिए, और इधर जो है हम लोग का कलेजी का मसाला रेडी है, अब इसमें कलेजी डालेंगे। अच्छा, अब इसमें जा रहा है ये अदरक लहसुन का पेस्ट। कितना पेस्ट गया इसमें? 200 ग्राम। अच्छा, कुछ ज़्यादा ही आप लोग ये लाल कर देते हैं प्याज, टेस्ट आएगा लाल होगा। हाँ, लाल नहीं होगा टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, तो ये अब जा रहा है हल्दी, और इधर देख सकते हैं पूरा डब्बा में भर भर के जो है यहाँ पे मसाला रखा हुआ है। तो सबसे पहले गया हल्दी, हल्दी के बाद गया धनिया पाउडर, अब क्या जा रहा भैया? मिर्च पाउडर। मतलब अच्छा मात्रा में जो है यहाँ पे मसाला रेडी करते हैं ना, तो सारा मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया। अच्छा, रखा हुआ रहता है। एक बार में कितना मसाला आप लोग पिसवा लेते हैं? 10 किलो। 10 केजी। आज 2 ही चुस्ता है देखिए। अच्छा, ये कितने का चुस्ता है? यह 300 का। अच्छा, यह 250 का। ये 250 का और 300 का। हाँ, जो कि आपको पलटने के लिए नहीं आता है ना। अच्छा, तो अब ये जा रहा है इसमें चुस्ता, डालिए। जब इस प्याज में चला गया चुस्ता, अब जा रहा है इसमें ये सारा का सारा चर्बी वगैरह। चर्बी भौरी। चर्बी कितना होगा भैया? लगभग 1.5 किलो। 1.5 किलो चर्बी डाल दिए और 2 चुस्ता आ गया ना। और इधर हम लोग का जो है अब मसाला फ्राई हो रहा है, और ये चुस्ता का। चुस्ता का है? हाँ, इसी में जाएगा सारा का सारा। हाँ, इधर हम लोग का मसाला हो चुका है रेडी, उसको भी इसमें निकाल रहे हैं। इसको कब डालिएगा इस प्याज में? मटन आएगा तो डालेंगे। अच्छा, अभी तक मटन नहीं आया है ना। आप किन से सीखे थे मटन बनाने के लिए? हम यहीं पर देखते देखते सीख गए, हमको मटन नहीं बनाने आता था। यहीं सीख गए? खाली हम सादा खाना बनाते हैं। अच्छा, आप लेकिन मटन भी बनाते हैं? देख के कभी कभी बना देते हैं, कभी कभी। ऐसे तो मालिक ही बनाता है। ये अभी कितना मसाला होगा? 1 केजी का लगभग हो जाएगा। हाँ, सारा मसाला मिला के सारा 1 किलो से ऊपर होगा। 1 केजी से ऊपर होगा ना। अच्छा है भैया, अच्छे तरीके से मटन को साफ कर रहे हैं, अब मटन जा रहा है। तो आज जो है दिन बृहस्पतिवार है, लेकिन कम मात्रा में मटन बनता है। सप्ताह में कितने दिन खुला रहता है भैया? ये सब दिन खुलता है। अच्छा, आप मटन खाते हैं कि नहीं? खाते हैं। खाते हैं। ऐसे चर्बी अभी निकाल रहे हैं, इसका अब क्या करना है? इसको निकाल के रख देते हैं, गल जाएगा, ये गलता है। अच्छा, जितना खोलेगा उतना ही गलेगा। जितना खोलेगा उतना गलेगा। फिर कब डालिएगा इसको? मटन सीख जाएगा तब। अच्छा, इसको पकने में भी कितना टाइम लगेगा? अभी इसको लगेगा 1 घंटा, आधा घंटा। आधा घंटा इसको पकने में लग जाएगा ना। यही भूज के जो रख ले हैं सारा मसाला चला जाएगा। हाँ, अच्छा, ये सारा का सारा मसाला जो अब ये कढ़ाई में गया। मीट कम है, प्याज ज़्यादा है। हाँ हाँ, मीट कम दिया। अच्छा, ये मटन के हिसाब से मसाला डालते हैं या प्याज के हिसाब से? वो कोई ठीक नहीं है, कभी प्याज भी कम रहता है, मीट ज़्यादा रहता है। अच्छा, कभी मीटे कम रहता है, प्याज ज़्यादा रहता है, तो ओकरा हिसाब से मसाला पड़ेगा ना। अब इसमें कितना टाइम लगेगा? अभी आधा घंटा। आधा घंटा,
आधा घंटा तक इसको भूजते रहना। तो पानी भी डालते हैं इसमें? पानी डलाएगा पहले, बाद में पहले भूजाएगा तब। अब ये सारा का सारा जो है प्याज का ही पानी है ना? सब प्याज का। कितने बजे से लोग यहाँ खाने के लिए आ जाते हैं सुबह में? 8, 8:30, 9 बजे, 9 बजे तक आ जाता है। उस टाइम तो देखे 7 बजे ही वो कलेजी खाने के लिए आ गए। वही ना, यहाँ कोई ठीक ना है। अब यार कलर आएगा, जैसे जैसे भुजाएगा वैसे वैसे कलर आ जाएगा। तो इधर देखिए अभी मटन चढ़ा हुआ ही है और यहाँ पे जो है प्लेट लगना शुरू हो गया है। भैया लोग इंतज़ार कर रहे हैं मटन खाने के लिए। तो यहाँ पे भी मटन का क्राउड है, लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ पे मटन ना भैया? ऐसे ही इंतज़ार करवाते हैं? इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा इंतज़ार आदमी थोड़ी करेगा। तो भैया सबसे पहले यही चीज़ सीजता है। अच्छा, सबसे पहले ये पीस सीज जाएगा? अच्छा, कौन सा पीस होता है ये? करेली हुआ। अच्छा, ये करेली हुआ। हाँ, अब बिक भी जाता है सबसे पहले? हाँ, इसी के ज़्यादा चॉइस रहता है। अच्छा, लोग ज़्यादा यही पीस पसंद करते हैं? तो बढ़िया लगता है खाने में? बढ़िया लगता है, पीस भी मुलायम रहता है, कोई भी आदमी खा लेगा। कोई भी खा लेगा, बूढ़ा जवान सब? बूढ़ा हो या जवान सब खा लेगा। एक दो को पीस होता है कि ज़्यादा खिंचाव होता है? हाँ, पूरा नहीं लिया, आधा लिया। अच्छा, कितने का है ये? 300 का है, आधा 150 में देंगे। अच्छा, आधा 150 में। हाँ। अच्छा, ये अभी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, फीका नहीं लेगा खाने में? ये व्हाइट ही रहता है अंदर में, अंदर व्हाइट ही रहता है। हाँ। ये आ गया 150 का। हाँ, पूरा चर्बीदार पीस ना है। अब इसमें ग्रेवी डालिएगा? अच्छा, तो गाइस आप लोग चुस्ता ट्राई किए हैं तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा, सबसे लास्ट में ये गया गरम मसाला, और भी कोई मसाला जाएगा? ये जाएगा गोलकी जीरा। तो गोलकी जीरा भी लास्ट में ही डालते हैं? हाँ। अच्छा, मीट लगेगा? मीट मसाला वगैरह नहीं डालते? यही गरम मसाला मीट मसाला हुआ। तो गरम मसाला जाने के बाद जो है सुगंध बढ़िया आ रहा है। तो अंकल जी यहाँ पे जो है मटन और चावल खा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी। कब से आ रहे हैं आप खाने के लिए? हम लोग तो 20 वर्ष हो गया होगा कम से कम। 20 साल से? हाँ। अच्छा, बढ़िया लग रहा है। हाँ, इसे देख सकते हैं उधर भी भैया लोग बैठ के खा रहे हैं और इधर अंकल भी खा रहे हैं। रोटी के साथ ज़्यादा बढ़िया लगता है या चावल के साथ? ना, रोटी के साथ। रोटी के साथ? हाँ, भूंजा हुआ मीट। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग ऑटो चलाते हैं। अच्छा, ऑटो चलाते हैं जी। अच्छा, तो इधर देख सकते हैं मटन चढ़ा हुआ ही है, लेकिन अंकल जी जो है यहाँ पे मटन खा रहे हैं। रेट वगैरह सही है ना? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ सही है क्या? तो फाइनली हम अपने लिए भी प्लेट लगवा ली और ये 2 पीस मटन लगवाए हैं। और इधर भी देख सकते हैं हमारे पीछे भी बहुत सारे भैया लोग बैठ के खा रहे हैं, इधर भी खा रहे हैं। सुबह में जो यहाँ पे कलेजी बना था, लेकिन कलेजी जो है बहुत जल्द यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हम आज टेस्ट करने वाले हैं यहाँ का मटन। तो पीस को करते हैं साइड, हल्का सा लेते हैं ग्रेवी और ग्रेवी के साथ करते हैं टेस्ट। गाइस टेस्ट सही है नो डाउट, लेकिन इसमें जो है मीठापन आ रहा है और ये दिया गया चर्बी, चर्बी भी इसमें है। तो हम लेते हैं हल्का सा पीस चर्बी और ये देखिए अभी आम का सीजन है तो आपको चटनी भी मिलेगा। तो हम करते हैं चावल के साथ थोड़ा सा टेस्ट, हल्का सा चावल के साथ, पूरा खिला खिला हुआ चावल है या गया ग्रेवी। चावल के साथ हल्का फीका लग रहा है थोड़ा बहुत, बाकी बात टेस्ट वगैरह सही है। एड्रेस वगैरह आपको वीडियो में बता दिया गया है, अगर आप हैं पटना से या कभी आते हैं तो अंटाघाट आइएगा तो एक बार यहाँ का मटन खा के ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि यहाँ का मटन आपको कैसा लगा। वैसे नॉर्मल मसालों में जो है इस मटन को तैयार किया गया। बाकी सुबह 7 बजे से ही लोग यहाँ पर आ जाते हैं कलेजी खाने के लिए,
और 9 जैसे बजता है तो गाइस यहाँ पे आ जाते हैं लोग मटन खाने के लिए। तो हम भी करते हैं इस प्लेट को साफ, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए जगह पे नए टेस्ट के साथ।